हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मन की बात। हम हाजिर एक और वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जुग जुग जियो के ऑफिशियल ट्रेलर के बारे में एंड दिस स्टार्स वरुण धवन, जो कि बहुत टाइम के बाद बड़े स्क्रीन पे अपना कमबैक करेंगे। हालांकि ओटीटी पे उनकी फिल्म आई थी 1.5 साल पहले कुली नंबर वन, जो कि बहुत ही क्रिंज, बहुत ही घटिया वाहियात फिल्म थी, बहुत ही बेकार रीमेक था वो। खैर, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन इस फिल्म में आपको कियारा आडवाणी भी देखने को मिलती है, अनिल कपूर देखने को मिलते हैं, नीतू सिंह देखने को मिलती है एंड मनीष पॉल भी है, प्राजक्ता कोहली भी है, जो कि बहुत ही वेल नोन यूट्यूब स्टार है। सो इतने लोग हैं इस फिल्म में, जो कि धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म है। काफी एक जबरदस्त प्रोडक्शन वैल्यू के साथ आती है। धर्मा की फिल्म में तो प्रोडक्शन वैल्यू तो अच्छा रहता ही है, लेकिन ये ट्रेलर काफी अच्छा लगा। काफी समय के बाद एक बॉलीवुड से एक रोम कॉम, एक फन फैमिली एंटरटेनर निकल के आ रही है इस तरह की, जो कि एक बहुत ही अच्छा वाइब दे रहा है। क्योंकि इस फिल्म में आपको हर कुछ देखने को मिल रहा है, आपको इमोशंस देखने को मिल रहा है, कॉमेडी ठीक ठाक भी देखने को मिल रही है। प्रॉमिस ऐसा करता है कि फिल्म में आपको और अच्छा सिचुएशन कॉमेडी मिलेगा देखने को। उसके बाद ड्रामा है, इमोशंस है, म्यूजिक काफी अच्छा लग रहा है। सो ओवरऑल जो पैकेज है इस फिल्म का ना, काफी अच्छा लग रहा है। और आई होप कि ये फिल्म अच्छी निकले, क्योंकि राज मेहता इस फिल्म को बना रहे हैं, जिन्होंने गुड न्यूज बनाया था। एक इतने सेंसिटिव टॉपिक को एक बहुत ही बेहतरीन वे में प्रेजेंट किया था इस ट्रेलर में। वरुण धवन थैंकफुली अपने जुड़वा 2 और कुली नंबर 1 उस वाले जोन में थैंकफुली नहीं लग रहे हैं, मैं तेरा हीरो या फिर उस तरह के जोन में लग रहे हैं, जो कि वहां पे वो ठीक ठाक काम करते हैं। उनका हालांकि एक और जोन है, जो कि बदलापुर और इस तरह का जोन है, जिसमें वो काफी जबरदस्त लगते हैं अक्टूबर वाला, वो इस फिल्म में नहीं है। लेकिन फिर भी वो ठीक ठाक लग रहे हैं, क्योंकि कभी कभी उस जोन में जाते हैं तो क्रिंज वे में बहुत ही एक नीचे चले जाते हैं, तो थैंकफुली वैसा कुछ नहीं है। कियारा आडवाणी लुकिंग स्टनिंग एज यूजुअल, बहुत ज्यादा डायलॉग्स या फिर बहुत ज्यादा ये नहीं है। और इस तरह की फिल्में जो होती है, जो सब एक फील गुड फैक्टर के साथ आती है, जिसमें बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा है लोगों के फैमिलीज में, उसके बाद कुछ एक इवेंट होता है, जैसे जोया अख्तर एस करती है इस तरह की चीजों को, चाहे वो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा हो, जहाँ पे वो रोड ट्रिप में सारे के प्रॉब्लम जितने भी रहते हैं जिन लोगों के, वो धीरे धीरे करके सॉर्ट आउट होते हैं एंड तक। दिल धड़कने दो में देखो, जैसे क्रूज होता है, क्रूज पे वो लोग जाते हैं और वहां पे कैसे प्रॉब्लम सॉर्टेड होते हैं। तो इस तरह की फिल्में जनरली एक आपको फन एंटरटेनर और बहुत ही एक अच्छा वाइब देखे जाती है, फील गुड फैक्टर रहता है, बहुत ही रिच रहता है इस सब फिल्मों में। तो उसी तरह का एक फिल्म ये प्रॉमिस करता है। और इसमें भी ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ एक इवेंट होता है, और कैसे अनिल कपूर उधर अपना डिवोर्स लेने के चक्कर में है, इधर कियारा आडवाणी वरुण धवन अपने डिवोर्स के चक्कर में है। इसमें आपको मनीष पॉल भी देखने को मिलते हैं, जो कि आई थिंक कि उनको बहुत ज्यादा काम मिलता नहीं है, जबकि बहुत ही जबरदस्त वो एक्टर हैं, बहुत ही अच्छे एंटरटेनर भी हैं। उनकी फिल्म जो आई थी फर्स्ट मिक्की वायरस, काफी अच्छी लगी थी हमको, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बाद उस तरह का काम उनको नहीं मिला। प्राजक्ता कोहली का स्क्रीन स्पेस तो कुछ था ही नहीं, मतलब एक झलकी थी उनकी, ना कोई डायलॉग ना कुछ। सो आई होप कि उसका काम, उनका काम भी जो फिल्म है उसमें काफी अच्छा हो। सो फिल्म प्रॉमिस तो करिए बहुत अच्छा, 24 जून को ये फिल्म निकलने वाली है, और प्रॉमिस कर रही है काफी अच्छा, एक जो क्राउड पुलर है फैमिली एंटरटेनमेंट, जैसे अभी भूल भुलैया काफी अच्छा कर रही है, लोग भर भर के जा रहे हैं, तो उस तरह का एक इसमें अभी आपको सिनेरियो देखने को मिल सकता है जब ये जुग जुग जियो निकलेगी। सो आपने देखा ट्रेलर तो कैसा लगा, ये था मेरा ओपिनियन, आपका क्या ओपिनियन जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। नहीं देखा तो एक बार जाकर चेकआउट कर लो धर्मा प्रोडक्शन पे, काफी अच्छा खासा ट्रेलर हमको तो लगा। आपके क्या राय बताना कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, और कुछ बात करनी इंस्टाग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां भी मैसेज कर सकते हो। चलिए मिलेंगे बहुत जल्दी एक और वीडियो में एक और अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।